कर रहे थे। नन्नू नन्नू के नखड़े भगवान, बात ही नहीं करती, मैं मम्मी के आ गई हूँ। क्या बना रही मेरे लिए? क्या खाओगी? हवा। आ गई मैं मम्मी के यहाँ फाइनली इतने दिनों बाद। और आप भी देख लो मम्मी का छोटा सा रूम। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बता दूं यहाँ पर मम्मी रहती हैं। और कल इन्होंने निकाला है अपना बड़ा वाला कूलर, ये लखनऊ में परचेज किया था मैंने। सो इसको क्लीन वगैरह करके कल लगाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसको लगाने के बाद से कमरे में बहुत ज़्यादा ठंडक सी आ गई है। एक्चुअली पहले ऊपर वाले पोर्शन में एसी नहीं लगी थी, जो दूसरे हैं ना रेंट पे रहने आए, उन्होंने एसी लगवा ली तो ये कमरा एकदम आग सा उगलने लगा था। तो इस वजह से कूलर लगा लिया है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने लगा है। सो मैं आज आई हूँ यहाँ पे बहुत दिनों बाद, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी नहीं थी तो मैं क्या करती आ करके। और टाइम देखिए कितना हो रहा है, दोपहर का कहाँ गया, 1:30 बज रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं ये वाला व्लॉग काफ़ी देर पहले स्टार्ट कर देती मॉर्निंग में, तो मैं बस मतलब जल्दी जल्दी, इनको ना सुबह पेट में कुछ दिक्कत से हो रही थी, एसिडिटी वगैरह बन रही थी, तो इनके में मैं लगी रही सुबह से, फिर जल्दी जल्दी वीडियो पब्लिश किया, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई। इनको लेट हो रहा था काम पे जाने के लिए, कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। और मैं आपको बता दूं, अभी मैंने नहाया तक नहीं, मैं कपड़े ले आई हूँ, मैंने कहा मैं यहीं पर नहा लूँगी, इनको लेट हो रहा था तो मैंने कहा चलो मैं मम्मी के यहाँ पर ही नहा लूँगी। और ये वाला व्लॉग बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाता है, बट मैं आपको बताऊं, मेरी बचपन की फ्रेंड जो हम लोग साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं, घर के पास ही रहती थी हम लोगों के मोहल्ले में कानपुर में, तो वो अचानक से मिल गई। उसकी एक्चुअली काफ़ी महीनों पहले, 2 महीने पहले उसने रिक्वेस्ट भेजी, और मैं फेसबुक यूज़ नहीं करती हूँ, बस अकाउंट बना हुआ है, उसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो अचानक मैं एक दिन देखने लगी, मैंने कहा अरे बाप रे, तो उसकी रिक्वेस्ट पड़ी हुई, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। काफ़ी सालों बाद उससे मिले, बात करके इतना अच्छा लगा, वीडियो कॉल आया था उसका, तो मैं उसी से बात करने लगी। 2-2.5 घंटे हम लोगों ने बात की, तब भी बातें ख़त्म नहीं हुई, बट रखना तो है ही ऑब्वियसली, उसे भी काम है मुझे भी काम है, तो ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। तब भी 2-2.5 घंटों से मैं उसी से बात कर रही हूँ। फिलहाल वो सिंगापुर में है, उसकी रिसेंटली शादी हो गई है फरवरी में, तो वही हम लोग पंचायत लगा के बैठ गए थे, अपनी पुरानी सारी दिन याद कर रहे थे, मतलब कितनी जल्दी टाइम बीत जाता है, कितनी जल्दी। उसका चेहरा जैसे ही मैंने देखा, मेरी खुशी से मतलब ये एकदम से लगा, अरे बाप रे बाप, इतने साल बीत गए हैं, इतनी अच्छी वाली फीलिंग आई। और कोई अंतर नहीं, ऐसे लगा ही नहीं कि हम लोग 10-15 ही साल हो गए होंगे ना मम्मी, 2007 से नहीं मिली, 2019 चल रहा है, कि 12 साल बाद किसी से अचानक से ऐसे बात होना, कितनी, वो भी अपनी बचपन की दोस्त से, तो कितना अच्छा लगता है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे उससे बात करके, मैं उसकी आपको पिक भी शेयर करती हूँ। वीडियो कॉल में मैं इतनी ज़्यादा मगन हो गई, मैंने बस थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन कर दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। ये है तो ये है मेरी बचपन की सहेली, सच में आप सोच नहीं सकते हो, ये मतलब वही सोच सकता है जो एकदम से बचपन की सहेली जिसकी बिछड़ गई हो वो मिलती है, फिर उसे कितना अच्छा लगता है। सब कितने अलग अलग हो जाते हैं ना, पहले सब एक साथ रहते थे, वो मेरे बर्थडे में आती थी, मैं उसके बर्थडे में जाती थी, ये सब होता था ना। सब चेंज हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा मम्मी के घर को एक सा कर लूँगी, क्योंकि बेड पे मम्मी ने ले आई थी पेटीज़, ये वाली देखिए थोड़ी सी बची, मन नहीं किया खाने का, पनीर वाली खा ली, आलू वाली छोड़ दी, मन नहीं किया, जबकि मम्मी की, मम्मी तुमने क्यों छोड़ी फालतू में, ख़राब हो गई। मम्मी हमेशा अपने लिए कुछ लाती, मेरे लिए उसमें से ज़रूर छोड़ देती हैं, जबकि मैं एक खा चुकी हूँ पनीर वाली, अब मुझे नहीं खाना है। बेटू पेस्ट्री लाई थी नानी के साथ, है ना शोना, और बेटू को दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि नन्नू के नखड़े बढ़ गए हैं, उनको आना नहीं है कैमरे पर, तो क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत मिस किया, और उनको नानी के यहाँ बहुत मज़ा आ रही। चलोगी मम्मा के साथ शोना? हैं नन्नू, बात तो नहीं करना, इतना से बता दो मम्मा साथ चलोगी, सिर्फ इतना बता दो, यहीं रहोगी, यहीं रहोगी नन्नू, नन्नू नानू। कोई फायदा नहीं मैडम, कोई रिस्पांस नहीं करेंगे, तो चलिए मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। सोच रही हूँ मम्मी का घर थोड़ा सा एक सा कर दूँ। आज झाड़ू पोछा लगाया था क्या मम्मी? नहीं लगाया है, चलो मैं ही लगा देती हूँ आज।
नन्नू को इतनी मजा आ रही है ना कूलर में, कूलर के सामने ही ज्यादातर खड़ी रहती है। बस नहावा लिया है, थोड़ा सा जो काम था घर का वो भी फिनिश कर लिया है। मैं मम्मी से बोलूंगी कि मुझे साबूदाना की खिचड़ी खानी है, बहुत जोरों से मन कर रहा है। वैसे मैं बना लेती बट मुझे मम्मी के हाथ की बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। उन्होंने ऑलरेडी से रेसिपी भी शेयर की हुई है। क्या ले आई तुम, ये क्या है, खा लो, ले आओ खिला दे तुम्हें, निकाल लो, निकाल लो सोना, निकाल लो आपके लिए। नन्नू पेस्ट्री लाई थी नन्नू को और वही खानी फ्रिज में रख दी थी। और इस फ्रिज की एक खास बात है, इसका डोर ऑटोमेटिक है, आप ऐसे खोलिए और छोड़ दीजिए, आपको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बंद हो जाता है। मजाक कर रही हूँ, वो मम्मी ने वैसे करके रख दी है ना, तो फ्रिज झुक गई है थोड़ा सा पीछे के साइड में, तो वो अपने आप डोर, हाँ छोड़ दो, आप छोड़ दो, छोड़ दो। ये फ्रिज मेरे दिल के बहुत करीब है, इतने ज़्यादा करीब है कि मैं बताऊँगी क्यों करीब है तो आप लोग समझ जाओगे। ये फ्रिज मैंने अपनी पहली सैलरी से ली थी, जब मैं एक ऑफिस था वहाँ पर जॉब कर रही थी, तो तब मैं लेकर के आई थी ये, मैं परी ली थी। हाँ आप भी थे उस टाइम, नन्नू भी थी मेरे साथ, नन्नू ही तो फ्रिज लेने गई थी मम्मा के साथ लखनऊ में। तो मेरे दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है ये वाली फ्रिज, तो यही वाली फ्रिज इसीलिए तो मेरे दिल के करीब है, नन्नू लेके आई थी। कूलर लग गया है तब से बहुत ज़्यादा खुश हो गई, कूलर में बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। सुना मम्मा खा ले थोड़ी सी, मेरा भी मन कर गया पेस्ट्री देख के खाने को, खा ले, थैंक यू। थोड़ी सी खाएगी मम्मा, बिल्कुल थोड़ी सी, हाँ फिर आप खा लेना। लो अब आप खा लो, हाथ से नहीं सुना, हाथ गंदा हो जाएगा आपका, हाथ से नहीं, हाथ गंदा हो जाएगा। उन्होंने रेसिपी शेयर की थी पहले, बट फिर भी मैं आज बोल दूंगी आज वो रेसिपी शेयर कर दे, और आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, आज मम्मी से करवा दूंगी, आप लोग ट्राई करके जरूर देखना। व्रत में भी बनती है, आप व्रत वाला नमक डाल के बना सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही खा लेती हूँ मैं। व्रत में खाती हूँ तो फिर कभी कभी इच्छा हो जाती है तो ऐसे भी बनवा लेती हूँ मैं। ये लो सोना, ये मंदिर कितना अच्छा लगता है ना मुझे, इससे बहुत घर में रौनक रौनक सी लगती है। मैनपुरी नुमाइश से लिया था, बता चुकी हूँ फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जैसे अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं गौरी कौन है, तो गौरी मेरे मामा जी की बेटी है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम देखते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो इस मंदिर के बारे में भी लोगों ने पूछा था, तो मैंने सोचा आज भी मैं बता देती हूँ। मेरे कैमरे की बैटरी जा रही है, किसी भी टाइम चली जाएगी, और मैं दिखाऊँ मेरा बिल्कुल छोटा सा टैलेंट है, क्या था अब तो आदत नहीं रही, ये वाली पेंटिंग मैंने बनाई थी, मैं आप तो ये एक पेंटिंग ये बनाई थी, बहुत दिन में बन के तैयार हो पाई थी, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, और एक ये वाली बनाई थी राधा कृष्ण। ये दो पेंटिंग मैंने लखनऊ में बनाई थी, थोड़ा थोड़ा संडे को टाइम मिला या कभी मिल गया, दो साल वो मैं तैयार हो पाई, ये वाली दो साल में तैयार हो पाई थी, ये वाली तो इसको तो 3-4 साल लग गए थे, फिर ये मरने के लिए रखी रही, फिर इसको फ्रेम करवाया, बन गई थी स्टोन वगैरह लगा करके, क्योंकि इसमें मैंने स्टोन लगाए ऊपर से, तो स्टोन लगा करके मैंने फ्रेम करवाया, उसमें बहुत टाइम लग गया था। शादी से पहले बनाई और शादी के बाद मर करके तैयार हुई थी, मैं दिखाती हूँ, दोनों पेंटिंग मैंने बहुत मेहनत से अपने हाथों से बनाई, आपको कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी एक लाइक कर देना। हाँ नन्नू ने भी बनाई है, नन्नू ने भी बनाई है, सब कुछ नन्नू ने किया है, जो मैंने किया है वो सब कुछ नन्नू ने किया है, ठीक है सोना। हाँ नन्नू फ्रिज लाई है, नन्नू ने पेंटिंग बनाई है, सब नन्नू ने किया, नन्नू ने जॉब भी की है, है ना नन्नू। मूंगफली के दाने भी फ्राई कर लिए हैं और आलू भी हमने फ्राई कर लिए हैं, ये हमने यहाँ पर बॉयल आलू फ्राई किए हैं, अगर आप चाहें तो छोटे छोटे पीस काट कर कच्चे आलू भी फ्राई कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाला है, और खिचड़ी एकदम हम व्रत के तरीके से बना रहे हैं जैसे हम व्रत में खाते हैं, थोड़ा सा घी डालकर
टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे, इनको भी थोड़ा सा चला लेंगे, बहुत हल्का सा नमक डाल देंगे, अब 2 मिनट के लिए टमाटर को ढककर पका लेंगे अच्छे से। टमाटर गल चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे ये साबूदाना। इस साबूदाना को हमने अच्छे पानी से 3-4 बार धुल लिया था और 2 घंटे के लिए इसमें हल्का सा पानी डाल के भिगो के रख दिया था। अब ये एकदम से फूल गया है, अब ये साबूदाना इसमें हम डाल देंगे। अब नमक डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार, मूंगफली के दाने और आलू जो फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिला दिया है, अब इसको हम ढककर बिल्कुल धीमी आंच पर तब तक इसको पका लेंगे जब तक साबूदाना एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा। साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे और ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। साबूदाना की खिचड़ी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। दिव्या को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो हर बार हमेशा साबूदाना की खिचड़ी बनवाती हैं। नाश्ता नन्नू गई थी अभी नीचे बर्थडे पार्टी में, है ना नन्नू, वहाँ पे कुछ नहीं खाया नन्नू ने। क्या हुआ, कोई बात, मुँह से हाथ हटाओ, गंदी बात होती है। कोई बात, नीचे केक कटा था शोना, केक कटा था नीचे, कैसा लगा था, ताली बजाई थी आपने। नन्नू बर्थडे पार्टी में होकर के आई है, उन्होंने कुछ खाया नहीं तो ये ऊपर ही देंगे इनका नाश्ता, और ये खा भी नहीं पाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च है, बहुत ज़्यादा मिर्च है, मैंने अभी 1 चम्मच खा के देखा है। नन्नू अपना केक फिनिश कर लो, आज तो 2-2 बार केक मिल गया नन्नू को, चम्मच दूसरी ले आओ, इसमें मिर्च है। नन्नू आज बर्थडे पार्टी में गए थे ना शना नीचे, है ना, हाउडी, हम नहीं खाएंगे, हमारा मन नहीं कर रहा है, आप खा लो, ठीक है, हेलो बोल दो, चपको बोल दो, मैं बर्थडे से हो आई। ये आ गए, ये गए हैं नीचे से शेविंग बनवाने के लिए और मम्मी बना रही हैं खाना हम लोगों के खाने के लिए। इनका बहुत तेज़ गर्मी की वजह से जी घबरा, जैसे मेरा उस दिन नहीं हो गया था जब मैं गुड़गांव गई थी, इनकी वही हालत हो गई। नहीं सुना, रख दो हाथ में, हाथ में फिर आँख में लगाओगी मिर्च लगेगी, हाथ से मत छुओ ये मिर्च वाला, ठीक है। केक खा लो, केक खा लो, नानी से चम्मच ले आओ, तो ये सेविंग करवा के आ जाएंगे, उसके थोड़ी देर बाद हम लोग निकल जाएंगे वापस। मन तो नहीं है जाने का, मेरा भी नहीं, इनका भी बिल्कुल भी मन नहीं है, ऐसे लग रहा है कि यहीं पर, कह रहे मैं थक गया हूँ, इतना ज़्यादा लग रहा है यहीं लेट के सो जाऊँ, बट मजबूरी में जाना पड़ेगा क्योंकि काम नहीं चलेगा बिना जाए इस वजह से, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है, कूलर भी रख गया है, सो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए मेरे आज ही ये वाला दाना निकला है, एक यहाँ पर बड़ा सा दाना निकल आया है गर्मी की वजह से। नन्नू इधर आ जाओ, वहाँ क्या कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ। दिन में मैं लेटी सोचा सोऊंगी, इतनी सुकून भरी नींद आ रही थी, पर मेरी नन्नू ने मुझे सोने नहीं दिया, और नन्नू देखो क्या करके आई, दिखाओ इधर आ,
इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, ये ऐसे ऐसे करो, आके ऐसे ऐसे, मैं जब भी टॉप पहनती हूँ ये ऐसे 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 करती रहती है। हाँ क्या ऐसे करने वाला, ऐसे करने वाला तो दिखा दिया। और बिंदी तो बहुत अच्छी लगाई है किसी ने, ये लो देखो, ये ननु, ये जिमनास्टिक ज्वाइन करा दे तुम्हें सोना। हाँ ठीक है। और नन्नु की बिंदी देखो भाई, सब लोग नन्नु की बिंदी देखो भाई, इधर देखो, ऊपर देखो सोना, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये मम्मी बिंदी देखो इसने कहाँ लगा ली। मम्मी बना रही हैं किचन में, मैं बताती हूँ क्या बना रही हैं, फेवरेट हम लोगों के आलू के पराठे, यम्मी। तुम्हारा फेवरेट सवेरे बन चुका है, उनका फेवरेट बन रहा है, दोनों लोगों का फेवरेट, हिसाब किताब बराबर बराबर। नन्नू बिंदी तो देखो मम्मी जरा अपने आप लगा के आए हैं, शर्माती है तो चिल्लाती है, इनका अलग ही हिसाब किताब है। जा रहे मम्मी के घर से, मम्मी बाय बाय बोल दो, अभी दोबारा से जल्दी आएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी कौन सा वाला? हाँ ये वाला ले लो, ये चाबी रख लो, और ये ठीक है, मंडे को आएंगे। ओके बाय बाय बोल दो सबको, आलू के पराठे बहुत अच्छे लगे थे तो अपने ले दी, तो जाओ ये रख के। और मम्मी ने देखो क्या क्या बांध भी दिया, ये देखो मम्मी लोग नहीं मानती, चाहे जितना मना करो एक पिटारा लगा देती है। और ये भाई कह रहे हैं कहाँ रखेंगे, टेंशन इतनी हो गई मुझे, इतनी छोटी सी बाइक, बेटू भी है, बैग भी है। तो देखो उसमें कुछ सामान आ जाएगा, अच्छा निकाल निकाल के दो,